फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा की बाबा का चमत्कार ही है जो फाइनली हमारी टिकट भी कंफर्म होगी। अभी भी मन भी बनाना पड़ता है और बुलावे की भी बहुत आवश्यकता होती है, तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। जय श्री श्याम। आप ये बाबा के झंडे देख रहे हो, निशान चिन्ह नहीं है, श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और खाटू श्याम जी के लिए ट्रेन तो बहुत चलती है, एक 7 बजे की भी है जो 11 बजे आपको उतारती है रिंगस, और 11:30 बजे तक आप मंदिर पहुंच जाओगे, और ये 12 बजे की है जो 1 बजे के करीब चलती है जो हमको 7:30 बजे उतार देती है। तो मन तो था वो 7 वाली में, मगर हम वो पहुँच जाते वहाँ पर क्या करते, तो हमने कहा कोई नहीं रात का सफ़र करेंगे, थोड़ी लंबी होएगी लेकिन जर्नी भी एक तरह से हो जाएगी, तो हमने इस ट्रेन को प्रेफर करा। बाकी ये ट्रेन जो है टाइम ज़्यादा लेती है, कम से कम 7 घंटे लेती है, वो 3 घंटे लेती है, तो मैं कहूँगा कि आप अपने हिसाब से देखना आपको क्या बेस्ट लगेगा। जय श्री श्याम। और तो फाइनली बुलावा आ चुका है और टिकट हमारी हो चुकी है, और जो टिकट हमें पड़ी है वो है 1 साइड की 200 रुपये की, और वो चलेंगे कल, तो कल आपको सब कुछ बताएंगे। और फिलहाल हमने टिकट अपनी ये दिल्ली छावनी से टिकट करवाई हमने, और यहीं से जाना है, और यहीं से जाना है, बाकी सुमित जी बताएंगे आपको। तो सुमित जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो अभी फाइनली हमारा बुलावा आ गया है, ठीक है। तो हाँ ना जो 3-4 महीने से हो रही थी ना, वो अब ना कन्फर्म हो गया, और फाइनली हम ना कल निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए, ठीक है। जो हमारी 3 की टिकट ही है ना, हम तीनों जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये देखो सुनील है, अब इससे जो हमने टिकट करवाई है वो हमने दिल्ली कैंट से करवाई है टिकट, और टिकट ये है, और एक टिकट हमें 215 की पड़ी है, और कल चलेंगे तो आपको दिखाएंगे साहब, जो भी जर्नी हमारी होगी वो आपको दिखाएंगे, और मंदिर भी दिखाएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ जो अगर आप आ रहे हो तो आपको किस टाइप से आना चाहिए, तो पूरी जर्नी आपके साथ रहेगी। जय श्री श्याम, हमारी यात्रा अच्छी रहे। अच्छा नहीं हुए भाई, हम अच्छे हैं ना। दिल्ली कैंट का टिकट काउंटर है, यहीं से टिकट मिलती है, अगर ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिली तो आप यहाँ पे आके विजिट करके टिकट ले सकते हो फॉर्म भर के। ये दिल्ली कैंट का है, यही दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन है, और उस साइड से हमने टिकट करवाई है, और टिकट मेरे हाथ में है, और अगर आपकी टिकट अगर ऑनलाइन नहीं होती है तो आप यहाँ पे आके टिकट करवा सकते हो दिल्ली कैंट ट्रेन पकड़ने के लिए, और उसके बाद आपको मिलेंगे वहाँ पे, और मंदिर का सारा व्यू दिखाएंगे, और प्रधान जी इस रेडी, और जिस बंदे का वेट कर रहे हैं हिमांशु, वो हमेशा की तरह लेट, हमेशा की तरह वो लेट है, आज भी लेट है, तो वो आया भी लेट था दुनिया। अभी चलते हैं यहाँ पे दिल्ली कैंट में, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो फाइनली हमारी टिकट कन्फर्म हो गई, तो मैं बुलावा भी आ गया, टिकट भी कंफर्म हो गई, तो ये एक बाबा का चमत्कार ही है जो फाइनली हमारी टिकट भी कंफर्म होगी। अभी भी सुमित ने देखा कि भाई टिकट के लिए, तो फाइनली टिकट कंफर्म होगी, तो आराम से बैठ के जाएंगे, और मंदिर का दर्शन आपको भी करवाएंगे, हम भी करेंगे। जय श्री श्याम। अच्छा हो गया सुमित जी, बुलावा आया और टिकट भी कंफर्म हो गई। ये बुलावा ये चमत्कार से कम नहीं है, 70-80 वेटिंग थी, कल टिकट कराई और सुबह कन्फर्म हो गई है, और सब कुछ ना बस एक्स्ट्रा बुलाने की जरूरत होती है, और सारे रास्ते ना अपने आप ही खुलते हैं। अचानक ही हमारा प्लान बना था, और अभी हम फाइनली हम जा रहे हैं, ठीक है। बुलावा इतना चमत्कार ही था ये, ठीक है। और बाकी आप तो ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल जा रहे हो। लो जी, चलो मिलते हैं आपसे दिल्ली कैंट में, मिलते हैं वहाँ पे, आपको बताते हैं ट्रेन के बारे में, जर्नी के बारे में। हमेशा की तरह प्रधान जी को भूख लग गई है, सुबह सुबह 4:30 बजे भी इनको भूख लगी है, देखो इनके लिए पकवान सबसे बेस्ट है, कुछ खाने की सोच रहे प्रधान जी। तो प्रधान जी आ चुके हैं स्कूटी पार्किंग लगा के, और ये प्रधान जी देंगे इसका किराया। आज रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट के, और यात्रा हमारी खाटू श्याम जी की स्टार्ट हो गई है। जय श्री श्याम। और हिमांशु अपने स्नैपचैट के लिए रेडी, प्रधान जी कुछ चलाते ही नहीं है, प्रधान जी बेघर है, क्या वो अच्छा, हाँ वो बे ऐप वाले साधु लोग हैं हम, ठीक है। ये दिखावे की जिंदगी हम जीते नहीं है, हमारी देखिए देखिए कहाँ का सो रहे हैं। हमारी ये चेतक एक्सप्रेस है, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है, मतलब लगभग आप लगा लो 7 घंटे लेगी, और 3 घंटे वाली ट्रेन भी है, तो हमने तो रात का सफ़र करना था क्योंकि हम सुबह पहुँचेंगे, और उसके बाद अब दर्शन करेंगे, कहीं और भी जाएंगे घूमने के लिए, तो मैंने कहा रात भर सोना तो है। ये 7 घंटे लेती है, और एक जो 7 बजे वाली चलती है वो 3 घंटे लेती है,
तो लोग तो 3 घंटे वाली बेस्ट समझते हैं, मेरे अभी हिसाब है कि 3 घंटे वाली ही बेस्ट है, लेकिन हमने थोड़ा क्या रात का सफ़र हो जाएगा, तो देन उसके बाद हमने चुना। तो भाई सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारी टिकट कन्फर्म हो गई है। आई डी लाया हमारी ट्रेन लेट होते हुए मोटा जी हमारे भागते हुए प्रधान जी सोते हुए और सीट मिल चुकी है प्रधान जी को, और प्रधान जी के साथ हिमांशु और हमें हमारी सीट मिल चुकी है और सीट हमारी कर वेरी चलाक ब्रो उसके डाल दे भाई। अभी तक का जो सफर था सुबह का बहुत ही बढ़िया था, सफर क्या सही था, आए और सो गए और अभी उठे हैं। आप पहुंचेंगे आप रिंगस में तो आपको मिलेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे आप लोग जो निशान लेके जाते हैं और उसका मंदिर का दिखाएंगे आपको, मतलब सब प्रॉपर दिखाएंगे। अब तक का सफ़र बहुत बढ़िया था और मिलते हैं आपसे, जय श्री श्याम। तो पहला क्वेश्चन था हिमांशु, एक भी दिन तो मतलब 24 घंटे से भी कम किसी कैपेसिटी है बिना सोए और खाए कितने दिन भूखे रह सकते हो आप? ये हाफ हाफ का हो रहा है क्या है? आप लाइव हो, पूरी दुनिया आपको देख रही है। दो दिन बिना खाए 24 घंटे से पहले पहले बोल देगा, 12 घंटे में पहले बोल देगा ये। तो नहीं बिना खाए 12 घंटे बहुत होते बाबा। रोज आना नहीं वैसे बताओ, रोज आना मतलब रोज ना हो गया ठीक है। तो बिना फोन के कितने रह सकते हो? 10 मिनट भी नहीं। और एक आखिरी क्वेश्चन है, बिना गाली खाए मेरी कितने दिन रह सकते हो? कुछ घंटे ये देखो ये है प्यार, देखो स्माइल लेकर लगेगी तब भी ले ले अभी नहीं दाढ़ी छुप गई ऊपर बच्चे। देखो भाई रिंगस से आई है बस, वो भीड़ देखो आप, देख रहे भीड़ है ये हमारी बस। चलो भाई चलो चलो हटो, गेट छोड़ दो, सुन नहीं रहे हो क्या? गेट छोड़ दो, गार्ड को बुलाओ क्या? अभी जयपुर जाए भाई, ये देखो इस बस से आए हम रिंगस से, वो ये देखो भीड़ देखो कैसी भीड़ थी बोले भाई यही रिंगस से बस आई है और उसमें भीड़ देखो कितनी है। और देखो ये देखो अपने बच्चे को घुसेड़ दिए हम सब ने और हो रही है दी शाम। तोरण द्वार देखो आप, ये तो सामने नजर आ रहा तोरण द्वार और हम पहुंच गए हैं और ये पार्किंग है और भीड़ देख सकते हो आप कितनी तक। फाइनली पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी श्री श्याम शरणम बाबा के द्वार, तोरण द्वार बाबा का तोरण द्वार देखो। तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजा रखे हैं, बाबा का नाम लेके बाबा की भक्ति में लीन है भाई। आप ये बाबा के झंडे देख रहे हो, ये निशान चिन्ह नहीं है, लोगों ने निशान चिन्ह उठा रखे हैं। अभी हम नहाएंगे बाबा की नगरी खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच चुके हैं, पीछे देखो तोरण द्वार और अभी जाएंगे दर्शन करेंगे आपको भी करवाएंगे। जय बाबा की। पीछे हमारे दो सिपाही प्रधान जी और हिमांशु गया। और ये लोग अपने निशान लेके आते हैं, तो कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं अपने, कुछ लोग ढोल नगा रहे हैं बाबा को याद करते हुए। गया मैं दुनियादारी सारी बाधा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। प्रसाद की दुकाने कितने के भैया ये? हाँ जी 100 रुपए का, कोई से भी छोटे बड़े। चलो अभी आते हैं। तो कुछ धर्मशाला भी है झुंझुनू वाली, ये वृंदावन धाम धर्मशाला, काफ़ी धर्मशाला मिल जाएगी यहाँ पे। अभी हम गए नहीं अंदर, पता नहीं करा अभी, तो अभी जाएंगे तो आपको भी बताएंगे। रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे और अभी हम खाते हैं और आपको बताते हैं क्या प्राइस है क्या है। तो ये हमारा खाना आ गया, दाल रोटी, दाल 120 रुपए की, रोटी 5 रुपए की, और अब खाएंगे इसे, उसका दर्शन करेंगे।
निशान लेके आते ना, ये मनोकामना मांगते कुछ, उसका निशान होता है ये, जो मनोकामना जो मन्नत होती है। शर्मा गेस्ट हाउस, हमारा गेस्ट हाउस, ये गेस्ट हाउस हमने लिया है 500 रुपये का। ओके भैया, प्रधान जी सो गए, गेस्ट हाउस हमें मिल गया अपना, एसी लगा हुआ है, प्रधान जी नींद में, बाकी आगे की वीडियो आपको मंदिर में दिखाएंगे। हरे के सहारे की बोल, हरे के सहारे की श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम। आपको मैंने ट्रेन के बारे में बता दिया, टाइम के बारे में बता दिया, और अगर आप भी आना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप आ सकते हो। ट्रेन के बारे में ये है कि आपके जो नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप बुक करवा सकते हो, वहाँ पे जाके बुक करवा सकते हो, ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, तो बहुत तरीके होते हैं जाने के। अगर आपका मन ही नहीं है जाने का तो फिर उसके हिसाब से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मन भी बनाना पड़ता है और बुलावे की भी बहुत आवश्यकता होती है, तो दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। जय श्री श्याम। हमें अपना गेस्ट हाउस भी मिल गया और अब हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर दर्शन करेंगे, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।